बालोद जिला मुख्यालय के पांडेपारा रहवैया प्रकाश नसीने नाम के युवक के स्वाइन फ्लू ले होइस मौ जेकर पुष्टि बालोद जिला के स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा करे गई। देखो ये रिपोर्ट। बालोद ले स्वाइन फ्लू ले मौत के मामला सामने आए। बालोद के मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी के मानी तो युवक ह कुछ दिन पहली भिलाई गए रहिस और यही बीच ओला अचानक सर्दी खांसी के एहसास होइस जेकर इलाज बर निजी अस्पताल जावत रहिस। इलाज ठीक नहीं होए ले परिजन मन ओला भिलाई सेक्टर 9 में भर्ती करवाइन जिहां जांच में स्वाइन फ्लू पाए गईस और कुछ दिन बाद ही युवक के मौत हो गई। स्वाइन फ्लू से हमारे जिले में एक मौत हुई है, वो भी बालोद का ही रहने वाला था। उनका नाम जो है प्रकाश चंद नसीने है और तकरीबन 47-48 साल का था वो, और उसे इन्फेक्शन भिलाई से ही आया है। वो 20 तारीख को भिलाई में किसी अपने सामाजिक कार्यक्रम में गया हुआ था और उसके बाद उसको 22 तारीख को तकलीफ होना शुरू हो गया, सर्दी खांसी भी हुई और बुखार, इस तरह के लक्षण थे उसको। तो यहाँ के किलकारी अस्पताल है जहाँ पर डॉक्टर अग्रवाल हैं, उन्होंने प्रारंभिक जांच किया तो निमोनिया पाया और उन्हें हायर सेंटर में जाने की सलाह दी, तो वो गए तो भिलाई सेक्टर 9 हॉस्पिटल में गए और वहाँ पर उनकी जांच हुई तो पॉजिटिव आया। उनको डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर भी था और सिकलिंग भी था। इसके अलावा ये स्वाइन फ्लू का जो टेस्ट हुआ उसमें भी वो पॉजिटिव पाए गए और उसकी स्थिति गंभीर बनी हुई थी। आईसीयू में रखा गया था उनको और फिर बीते दिन 4 तारीख को शाम को उनकी मृत्यु हो गई, ये जानकारी हम लोग को भी मिली है। तो हम लोग ने जो एहतियात के तौर पर रोकथाम का भी उनके घर में सर्वे करवाया रोकथाम के लिए और डिसइंफेक्शन के लिए भी वहाँ पर हमने घोल वगैरह पूरा छिड़काव करवाया है, मास्क भी बांटे हैं उनको और ग्लोव्स मास्क ये सब दिए हैं और जो हैंडल किए हैं उनके बॉडी को उनको भी प्रोफाइलेक्सिस के तौर पे ओसेल्टामिविर 75 मिलीग्राम 10 दिन का कोर्स 4 लोगों को भी दिए हैं और आज उनकी बॉडी का जो क्रियाक्रम है वो आज यहाँ हुआ है। स्वाइन फ्लू ले मौत के बाद बालोद स्वास्थ्य विभाग मृतक के घर में ये खतरनाक बुखार के रोकथाम ल लेके सर्वे कराइस और वायरल ला फैले ले रोके बर स्वास्थ्य विभाग मृतक के घर और आसपास के इलाका में दवाई के छिड़काव के अलावा ग्लव्स मास्क बांटे के बात कहिस। बालोद ले डिजिटल रिपोर्टर जागेश्वर सिन्हा के रिपोर्ट।